एंड रेजिस्टेंस। उसका जो हमारा ए पार्ट है, वो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं, आप साथ साथ इसको नोट करते जाइए। तो दोस्तों, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, मतलब आज का जो दिन है, अगर हम आज के दिन की बात करें तो ये है हमारा राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो आज, और लेफ्ट हैंड वाला जो पोर्शन है हमारा नेक लाइन के, वो कल का दिन है। ये हमारा जो बीच से लाइन दिखाई दे रही है, हम लोग आज के दिन ट्रेड करने वाले हैं, ये हमारा पिछला दिन है। अब ये जो लाइनें आपको दिख रही है, इन लाइनों का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो हमारी पहली वाली लाइन है तो हम लोग बोलते हैं ईडीएच। ईडीएच का मतलब होता है प्रीवियस डे हाई। और जो हमारी ये दूसरी वाली रेड लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं R3। ये R3 है, और ये जो आपको ग्रीन वाली लाइन दिख रही है ये हमारा L है, प्रीवियस डे लो है। और जो हमारी ये चौथी लाइन आपको दिख रही है वो है S3, सपोर्ट 3। अब ये R3 क्या है, S3 क्या है, PDL क्या है, PDH क्या है, ये आपको मैं अभी चार्ट पर भी बताऊंगा, लेकिन अभी पहले आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए कि आज के लिए PDH, PDL इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मैं यूज करता हूं। और दूसरा जो मैं यूज करता हूं वो है R3 और S3। तो दोस्तों, इनके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं कि इनका यूज हमको कैसे करना है। उसके पहले मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं। सपोज करो कि कल मार्केट इस तरह से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इस तरह से ये ऊपर गया मार्केट, फिर आया, फिर ऊपर गया, और यहां पर आके मार्केट क्लोज हो गया। अभी देखिए मार्केट कल के दिन कैसा बिहेव किया। मार्केट ने ये हाई बनाया, इसके बाद मार्केट नीचे आया, ये लो बनाया, फिर ये ऊपर गया, फिर हाई को रिस्पेक्ट किया और यहाँ के क्लोज हो गया। तो इस लाइन को हम PDH क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई ये है। ये हमारा क्या है, प्रीवियस डे का हाई है। ये हमारा क्या है, प्रीवियस डे का हाई है, और ये प्रीवियस डे का लो है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं PDL। इस लाइन को बोल रहे हैं PDL, और ये प्रीवियस डे का हाई होने की वजह से इस लाइन को हम लोग बोल रहे हैं PDH, ठीक है। अब ये R3 और S3 क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। पहले अब ये देखिए, आज मार्केट कल यहाँ क्लोज हुआ था, आज मार्केट ओपन हुआ और इस तरह से ये गया, इसने PDH को रिस्पेक्ट किया, नीचे आया और ऊपर की तरफ जा रहा है। या फिर मार्केट क्या कर सकता है कि ऊपर गया, PDH को इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करने के बाद ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार नीचे भी हो सकता है कि मार्केट ने S3 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, और ऊपर जाकर S3 को रिस्पेक्ट किया और नीचे जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो R3 और S3 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये लेवल बहुत क्रूशियल होते हैं। जब हमारा सेटअप बनता है तो हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। मैं आपको चार्ट पर ये सेटिंग बताता हूं कि ये सेटिंग का यूज, जो सेटिंग का यूज मैं करता हूं उसको मैं चार्ट पर बताता हूं। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं चार्ट के लिए, तो उसको आप देख लीजिए। दोस्तों, ये मेरा फायर्स का चार्ट है, आप यहां पर देख सकते हैं trade.fires.in। दोस्तों, इस चार्ट पर आप लोग सोचते थे
जब तक आप लोगों ने हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया था कि सर जो है लगातार पॉजिटिव रहते हैं, हर ट्रेड इनका पॉजिटिव जाता है और मैक्सिमम ट्रेड पॉजिटिव होता है, ये कैसे संभव है? दोस्तों ये संभव है क्योंकि जो चीज मैं आपको देने जा रहा हूं आज, इसको अगर आपने सही ढंग से सीख लिया तो आपकी भी हर ट्रेड पॉजिटिव ही जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आपको आज अपने चार्ट की सेटिंग बता रहा हूं कि मेरे चार्ट पर क्या होता है। मेरे चार्ट पर सिर्फ चार चीजें होती हैं। एक आप देख रहे हैं, ये लाइन देख रही है आपको, R3 S3। ये जो R3 और S3 वाली लाइन है, ये वही लाइन है जो अभी हम आपको चार्ट के ऊपर दिखा रहे थे। ठीक है, इसको अगर हम आपको इस तरह से दिखाएं, इस वाले चार्ट पर दिखाएं, तो आपको सारा कुछ साफ साफ दिखाई देगा, उसमें आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। मैं इस चार्ट को बड़ा कर देता हूं दोस्तों। ये देखिए आप, यस बैंक का चार्ट लगा लीजिए, एक्सिस बैंक का चार्ट लगा लीजिए, जिसका भी चार्ट है, मैं किसी भी चार्ट को आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी सेटिंग गड़बड़ नहीं होती। अब आप देखें इस चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये PDH है, और ये जो रेड लाइन दिख रही है वो PDL है। मतलब ये प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस डे का लो है, ये R3 है और ये S3 है। तो दोस्तों ये चार चीजें हमने आपको अभी दिखाई थी, इस पे दिखाई थी, चार्ट के ऊपर दिखाई थी, तो आपको मैं वो चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ कि वो चार्ट कहाँ है। फिर से हम लोग चलते हैं, जो मैंने आपको स्क्रीन शेयर की थी, चार्ट पर चलते हैं दोबारा। देखिए आप, ये PDH है, ये R3 है, ये PDL है, ये S3 है। इसी चीज को हम आपको यहाँ पर चार्ट पर दिखा रहे हैं, आप समझ लीजिए। ये देखिए, ये हमारा PDH है, ये हमारा PDL है, ये R3 है, S3 है। ये ऑटोमेटिक हमारे चार्ट पर बनता है। ये कैसे बनता है, ये देखिए आपको मैं अपनी सेटिंग बता देता हूँ। केवल चार चीजें हम अपने चार्ट पर लगाते हैं। एक 20 का वॉल्यूम लगाते हैं, एक पिवट कैंडल लगाते हैं, एक वो प्रायर डे ओपन हाई लो लगाते हैं, एक EMA 21 लगाते हैं। तो दोस्तों आपको ये लगाना कैसे है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, सारी सेटिंग को मैं रिमूव कर दिया। देखिए आप, इन सारी सेटिंग को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, और एक चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग 1 मिनट के चार्ट से ट्रेडिंग करते हैं। तो कोई भी अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो 1 मिनट के चार्ट से करेंगे, और उसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि 1 मिनट का चार्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 1 मिनट के चार्ट पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और टारगेट हमारा 1 to 4 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम तक हमको टारगेट मिलता है। तो पहले हम आपको इस चार्ट की सेटिंग बता देते हैं। इस चार्ट की सेटिंग आप लोग कर लीजिएगा, और इस चार्ट के लिए आपको या तो फायर्स में अपना अकाउंट ओपन करना होगा, या ट्रेडिंग व्यू का ये फ्री वर्जन जो है वो आप यूज कर सकते हैं, वहां पर आपको ये चार्ट मिल जाएगा। अब इस चार्ट में आपको सेटिंग कैसे लगानी है, आपको यहां पर देखिए इंडिकेटर पर जाना है। आपने पिवट सुना होगा, लेकिन पिवट में कैमरेला पिवट क्या होता है वो आपने, कुछ लोगों ने सुना होगा और कुछ ने नहीं सुना होगा, मैं बताता हूं कि क्या होता है। आपको इस इंडिकेटर पर जाना है, यहां पर आपको पिवट लिख, जैसे ही आप यहां पर पिवट लिखेंगे तो ये पिवट मिल जाएगा, यहाँ पर पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, आपको इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको आपको, ठीक है, तो चूंकि ये हमारा फ्री वर्जन है तो ये ऑलरेडी हमारा इस पे क्लिक है। देखिए आप जब पिवट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको चार्ट मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इस पिवट की सेटिंग पर जाना है। जब आप सेटिंग पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर ये सारा का सारा चेक होगा। देखिए आप, इसको अगर हम क्लिक करते चले जाएं, इसको हम क्लिक करते चले जाएं, इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए। तो अगर हम इसकी सेटिंग पर जाते हैं, इन सबको क्लिक कर दें, तो इसमें हमें बहुत सारी लाइनें मिलती हैं। इन सभी लाइनों की हमको जरूरत नहीं है, हम केवल इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, केवल हम R3 S3 का यूज करते हैं। और वो भी कैसे, इनपुट में जाएंगे, टाइप पर जाएंगे, टाइप में आपका
भाई डिफॉल्ट ट्रेडिशनल होता है, फिबोनाची होता है, वुडी होता है, क्लासिक होता है, डीएम होता है, कैमरेला। हम लोग कैमरेला का यूज करते हैं, कैमरेला पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, कुछ अपने आप ये R3S3 आ जाएगा, आपको रोज इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप पहले R3S3 कर लेंगे, फिर यहाँ पर इंडिकेटर पर जाएंगे, आप यहाँ पर टाइप करेंगे वॉल्यूम, पहला वाला ऑप्शन है वॉल्यूम का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, ये वॉल्यूम वाली हमारी लाइन है, ये वॉल्यूम आ जाएगी। आप इसकी सेटिंग कैसे करेंगे, इसके मिडिल पॉइंट पर जाएंगे, आप देखिए इनपुट में लिखा है 20 मूविंग एवरेज, ठीक है, तो ये 20 का जो मूविंग एवरेज आप ये देख रहे हैं, ये मूविंग एवरेज है। ऐसे ही आप स्टाइल में जाएंगे तो स्टाइल में आप देखिए ये वॉल्यूम है, ग्रीन से वॉल्यूम दिखा रहा है ऊपर की तरफ वाला, और नीचे वाला वॉल्यूम रेड से दिखा रहा है। ये वॉल्यूम का मूविंग एवरेज जो यहाँ पर हमारी येलो लाइन लगी हुई है, ये वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है, इसको आप ओके कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा हमारा जो सेटिंग थी चार्ट में वो वॉल्यूम की थी। तीसरा है प्रीवियस डे हाई और लो, हम उसके लिए क्या करेंगे, फिर इंडिकेटर पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रायर, PRIOR, तो प्रायर डे ओपन हाई लो क्लोज ये आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको ये जो प्रीवियस डे हाई लो है वो आ जाएगा। ये देखिए प्रीवियस डे का हाई और ये प्रीवियस डे का लो, ये देखिए आप पूरे चार्ट में रोज अपने आप ऑटोमेटिक ये बन जाता है, आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक आपका सेट हो जाता है। और चौथा होता है EMA, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल, जैसे आप एक्सपोनेंशियल लिखेंगे तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। और इसकी भी सेटिंग आपको कैसे करना है, इसके आप मिडिल पॉइंट पर आप जाएंगे, ये देखिए मूविंग एवरेज लिखा है, स्टाइल लिखा है, जो कलर चेंज करना चाहो आप कलर चेंज कर सकते हो। इनपुट पर जाओगे, ये लेंथ 21 की हम लोग लेते हैं, ये सोर्स क्लोज लेते हैं, ओके कर देंगे, तो आप ये जो लाइन देख रहे हैं हमारी ब्लू कलर की, ये मूविंग एवरेज। केवल एक दो तीन चार चीजों का हम लोग यूज करते हैं, और एक बार इसको हम लोग सेट कर लेते हैं, इसको फिर हम लोग कभी भी चेंज नहीं करते हैं। इसके अलावा हम किसी भी प्रकार के कोई इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं, या किसी भी प्रकार की और दूसरी चीज यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारे चार्ट की सेटिंग रहती है। अब आपको लगेगा कि ये रोज प्रॉफिट कैसे करते हैं, तो उसका तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा कि मेरे स्टॉक सिलेक्शन कैसा होता है और मैं कैसे लगातार प्रॉफिट में रहता हूँ, और जो मैं प्रॉफिट करता हूँ उसके बारे में भी हम लोग रात के जब क्लास होती है हमारी तो उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि डेली प्रॉफिट करने का राज क्या है। दोस्तों ये हमारा चार्ट था, ये PDH है हमारे चार्ट पर, ये R3 है हमारे चार्ट पर, ये PDL है, ये S3 है। तो दोस्तों हम आपको जो बता रहे थे कि ये हमारा प्रीवियस डे है, आज हम ट्रेड करने वाले हैं, प्रीवियस डे में यहाँ पर हाई बनाया था, यहाँ पर लो बनाया था, और आज ये मार्केट कैसे चलेगा और हमको कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों समझिए आप इस चीज को कि मार्केट में केवल और केवल तीन ही चीजें पॉसिबल हैं। कौन कौन सी तीन चीजें पॉसिबल हैं उस चीज को आप समझिए, वो है नंबर एक, या तो मार्केट आ रहा होगा, ये सपोज करो रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा और मार्केट नीचे आ जाएगा। दूसरा सिनारियो क्या है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और फिर ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, नीचे आ जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये होती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा और रिस्पेक्ट करके ये मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये तीन कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन मार्केट में होती नहीं है, मतलब मार्केट में केवल ये तीन सिनारियो ही पॉसिबल है, ठीक है, एक दो और तीन, इसके अलावा कोई नहीं है। अभी हम लोग इस चीज को चार्ट पर भी देखेंगे। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, हमारे PDH, R3, PDL, S3 बहुत क्रूशियल होते हैं, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम इसको सपोर्ट करता है, इसको रिस्पेक्ट करता है।